हाँ। कर लेंगे, बाकी तुम दोनों तो खुश हो ना, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, खुश तो होंगे ही। तो वही तो मैं चलो गीत गाओ। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बनी का गोरा बदन चमकाओ रे। खाओ मिठाई पूरा है, मीठे का परहेज नहीं है आज। हाँ आप भी खाओ, लाओ आप मैं भी खिलाओ, दूसरे को खिलाओ। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बनने का भी, बनने का भी भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज जो है खुशी का दिन है, आज जो है गुनगुन की हल्दी है, तो हल्दी की रस्म के लिए मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ और गुनगुन भी तैयार है। अब आपको दिखाते हैं क्या क्या रस्म हो रहा है अंदर, और जो ध्रुव है उसकी फैमिली भी आने वाली है, तो उनका हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे वो लोग आएंगे फिर हम लोग सारा रस्म करके क्लियर करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे घर में क्या माहौल है, क्या तैयारी हो रही है और कैसे कैसे सब कुछ होने वाला है। हाँ मम्मी, कमी तो नहीं रहेगी? हाँ तो सही तो है, हल्दी कर क्या? ना ठीक है, तो राधिका कर देगी ना, दे दो थोड़ी गाड़ी है, कर लो राधिका, थोड़ा और कर लो, नहीं वो कर लेगी ना। तो उन लोग का फोन आ गया, सब पीले पीले नजर आ रहे हैं आज, क्या बात। तो उन लोग का फोन आया था, कितने देर में आ रहे हैं? अरे थोड़ी बहुत देर में आ ही जाएंगे। आई जाएंगे ना। और गुनगुन कैसी हो? ठीक हो? तो जो तुम्हारी वीडियो देखते हैं, तुम्हें चाहते हो उनको कुछ कहना चाहोगे कि ससुराल जा रही हो? मैं ठीक हूं। हाँ आप ठीक है, सही लग रहा है। बस अभी आने वाले हैं वो। हाँ तो वो लोग आ जाए, आप एक बार बस वही है कि जो रस्म वस्म करके फाइनली आप जल्दी से शादी वादी हो जाए, क्योंकि इतना टाइम हो गया अब। हाँ सही है, पहले तो लड़के को ही लगाओगे ना। वो मिठाई विठाई क्या हुआ, भेज दिया था लाने के लिए? अरे इसकी क्या जरूरत थी, ये तो जरूरी है। और आगे के बगैर कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं बेटा, आराम से खोजे। क्या मीठे से तो शगुन होता है। हाँ बिल्कुल, मिठाई से चलती सबसे पहले। बस आपका ही वेट हो रहा था। हाँ तो के तो देखो रस्म करो आप। हाँ और क्या, हाँ तो शुरू करो बहन जी, आप शुरू करो फिर। पहले की तो हंसी नहीं रुकती, करते हैं आप शुरुआत करो। वो टेबल तुम हो, लगाओ लगाओ, चलो ऊपर रख लो पैर, चलो शुरुआत करो। आप खड़े हो जाओ, दूसरे लगाना, किसी से भी लगाओ, हाथ से लगेगी, फूल ले लेंगे ना हाथ में। फूल से कब से लगने लग गई? चलो गीत गाओ। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बनी का गोरा बदन चमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बनने का गोरा बदन चमकाओ रे। चलो भाई आप चलो, आप चलो चलो, ठीक है चलो, मैं बहुत सारी लगाऊंगी। हाँ नहीं शगुन शगुन करो, लगाओ लगाओ। चलो गाना गाओ। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। बस हाँ ओहो, मौसी पहले ही लगा दी। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। बन्ने का भी, बन्ने का भी भाई, चमका दिया। आले राधिका तुम भी लाओ, लो राधिका, अब राधिका सुन रहे, सही से लगा दे इसको ताकि अपने घर में आराम से रहे अब। हल्दी जैसे लगेगी, हाँ रूप रंग खिल के आएगा, ठीक है। हाँ अभी वही वही क्यों कर रही हो गुनगुन? और क्या, ठीक है, चलो दोनों खुश रहो, जीते रहो, सही रहो, खुश रहो। आप लोग तो दूसरे को लगा दो ना, हमारी ऐसी की टेंशन लगा लगा तो क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? लगा लगा लगा, हंसो नहीं, झूठ मूठ का लगा, ये तो कोई गलत बात हो गया। हाँ ठीक है, हाँ
मिठाई तो खिला दो एक दूसरे को, लड़के लड़की का मुंह मीठा करवाओ पहले, लड़का लड़की का मुंह मीठा करवाओ। चलो खाओ मिठाई पूरा मीठे का परहेज नहीं है आज। हाँ चलो आप भी खाओ, लाओ मैं भी खिलाओ, दूसरे को खिलाओ। जाओ राधिका, राधिका आजा, एक सुंदर ना गए लो बेटा, अभी हम देंगे आ तो समर को समर आओ। अरे कोई नहीं ठीक है चलो, अरे खाओ खाओ, समर है तो लगाई नहीं हल्दी, कोई नहीं मैं भी लगा देता हूं, लगानी पड़ेगी। आइए भाई अब ठीक है ना मुन्न, शगुन तो सबके लिए ना, समझ ने भी लगा दी लो लो ठीक है ना, ठीक है बस इसी तरीके से खुश रहो, खुश रहो आबाद रहो बने सही रहो। बात है हां, मजाक मजाक में कुछ भी बोल सकते हैं ठीक है। अब तुम्हारी अरे देखो ब्याह शादी में मजाक तो चलता ही है। हां हां अभी इतनी इतनी बातों का बुरा मानोगे तो नहीं चलेगी बात, नहीं हम तो बुरा मानेंगे, सही कह रही है, बिल्कुल बस अब चलो शादी की तैयारी करते हैं, रस्में तो सारी पूरी हो गई है ना, अब ये तैयारी होते पता भी नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, बिल्कुल सही बात है, तो दिन रखने की देर है टाइम तो कब चला जाता पता नहीं चलता, देखते हैं आप क्या मतलब क्या डेट निकलती है। और भाई सबको तो बता दिया होगा उस दिन के बारे में, बिल्कुल बता दिया, आज का भी बता दिया था, वो उधर तैयारी करने में लगे लगे हुए हैं, वो भी यहाँ कुछ ना कुछ सही है। चलो शादी में तो मिलेंगे ही, शादी में तो जितने दिन होते हैं उतना काम कम पड़ता है ना, वो तो है, शादी में तो आखिरी दिन तक लगे रहो, शादी का तो बात तो ये हो गया है ना कि शादी तो मंदिर से ही होनी है, क्योंकि जितना सिंपल रहेगा उतना सिंपल से शादी कर लेंगे। हाँ वही मेरा भी कहना है, बाकी आप मंदिर में हो जाएगा अपने, हाँ एक दिन पंडित जी से, हाँ अब मेहंदी और ये हो जाएगा, मेहंदी हो जाएगा, हल्दी हो ही गया, उसके बाद एक दिन चलेंगे दोनों फैमिली पंडित जी के यहाँ, वहाँ से उनसे डेट मुहूर्त जो अच्छा मुहूर्त होगा वही मंदिर बुक कर देंगे, हाँ तो वहीं पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन क्या मतलब तो ज्यादा देर ना थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ आज शाम में ही चलना है तो चल लो, कल सुबह चलो, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा करो। क्या क्या कर रहे हो शाम को चल लेते हैं, जो भी शुभ मुहूर्त निकलेगा वो मतलब मुहूर्त निकला हुआ है, टाइम देखना है किस टाइम का, बाकी तुम दोनों तो खुश हो ना, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, खुश तो होंगे ही, तो वही तो मुश्किल से तो रिश्ता हुआ है, सही बात है, जो देखो जो जिसकी किस्मत में होता है चलते चलते छूट पड़ती है दोनों की देखती रिश्ते, रिश्ता ना किस्मत से होता है, पकड़ रखा था इसका तो अपना नहीं, हाँ तो अब हो गया ना, चलो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है, सही है, करो तुम भी तैयारी, इधर तो तैयारी पूरी हो ही गई है, शॉपिंग वोपिंग हो ही गई है, बाकी तो दोनों तरफ देखना पड़ेगा ना थोड़ा, इनका भी हाँ, तो इनकी तरफ ज्यादा झुकाव नहीं देना, ठीक है इधर ज्यादा, पहले आपका रिश्ता इधर से है और क्या, इनके यहाँ तो काम करने वाले भी इनके ध्रुव के पापा भी है, पक्का तो मैंने करवाया रिश्ता, तो पक्का करवाया, तो बिचौलिया बिचौलिया तो बराबर है, अलग से टेंट लगवाते हैं तो मैंने इतनी अच्छी राधिका छोड़ रखी है, वो करेगी ना यहाँ पे तैयारी, राधिका छोड़ रखी क्या मतलब है, तो छोड़ रखी क्या, क्या है हमारी बेटी में, तुमने बेटी है, मम्मी है, मेरी बेटी इतनी लायक है सारा घर संभाल देगी, अपनी बेटी पे ज्यादा वो मत करो, वो हमारी है तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे लिए जो टेंट होगा ना वो स्पेशल, उसमें वो सब एक दूसरे का मिलजुल के करेंगे काम, सभी होते जो आपको सही है, चलो ठीक है फिर करो नाश्ता पानी, अब उसी कमरे में आ जाओ।